तो मैंने सोचा था मेरा बाइक का जो है चेन बहुत लूज है, लेकिन हे गाइस, स्वागत करता हूँ आप लोग का एक और न्यू वीडियो में। और आज का वीडियो है ना फुल पावर, हम लोग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम से बढ़िया होंगे। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक आप लोग तो था टाइटल एंड थंबनेल देख के समझ गए ही होंगे, तो फिर भी मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ। जैसे एक इंसान को सांस लेने के लिए एक लंग्स, अच्छा लंग्स का ज़रूरी होता है, तो सेम थिंग बाइक का भी कुछ ऐसा कुछ होता है, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर क्या होता है, बाइक का जो पिकअप है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है, बाइक का जो इंस्टेंट पावर होता है उसको ज़्यादा हाई लेवल में ले जाते हैं। तो बहुत दिन से मेरा बाइक का जो है ना वो बहुत कम ही मुझे ड्रॉप लग रहा था, जैसे इनिशियल पिकअप बहुत कम लग रहा था मेरे को, तो शायद से वो एयर फिल्टर का काम हो सकता है। तो स्टॉक एयर फिल्टर लेके हम मैंने अभी तक बाइक को 4,967 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो अभी इसके बाद एक और वीडियो में डालूंगा जो है 5,000 किलोमीटर चलाने के बाद बाइक में क्या प्रोज एंड कॉन्स आता है, मतलब क्या मुझे अच्छा लगा क्या मुझे ख़राब लगा बाइक में, तो वो भी एक सेपरेट वीडियो बनेगा। तो चैनल में जो भी न्यू आया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, तो मेरे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो अभी जाएंगे अपना मैकेनिक शॉप में, वहाँ जाके जो है बाइक का एयर फिल्टर है वो आप चेंज करेंगे, और उसके बाद बाइक में क्या साउंड आ रहा है क्या नहीं है नहीं है सब कुछ बताएंगे। तो बाइक बहुत दिन से मैं चला रहा था, तो नया नया में जो पिकअप मुझे मिल रहा था वो बाइक में बहुत कमी मुझे फील आ रहा था, इसके वजह से सोचा कुछ बाइक में प्रॉब्लम है। तो मैंने सबसे पहले जाके चेन को टाइट किया था, चेन थोड़ा लूज था, तो आपको मैं बैक कैमरा से लेके दिखाता हूँ। तो मैंने सोचा था मेरा बाइक का जो है चेन बहुत लूज है, लेकिन मैंने चेन टाइट करने के बाद भी जो है ना बाइक का जो पिकअप है एकदम से भी कोई चेंजेस नहीं आया था। तो फिर मैंने सोचा बाइक में शायद कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं आपका थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसका एयर फिल्टर जो है चेंज करना पड़ेगा। तो अभी सीधा जाएंगे हम लोग मैकेनिक का शॉप में, वहाँ पे जाके इसका जो है एयर फिल्टर हम लोग चेंज करवाएंगे। और अभी आपको सुनाता हूँ इसका बाइक का जो, अभी देख सकते कंडीशन जो है बाइक का बहुत ही गंदा हालत में है, बहुत दिन से साफ नहीं किया हुआ है बाइक को, तो अभी ऐसी हालत में है। तो अभी इसका बाइक का जो आवाज़ है मैं आपको सुनाता हूँ, और एयर फिल्टर चेंज करने का क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है वो आपको मैं बताऊँगा। तो अभी इग्निशन ऑन कर दिया, तो बाइक का जो है अभी ओल्ड जो एयर फिल्टर है वो लगा हुआ है, तो उसके साथ में अभी कैसा आवाज़ आ रहा है मैं आपको सुनाता हूँ। तो ऐसा साउंड रहता है, तो बाइक में अभी वो ओल्ड एयर फिल्टर लगा हुआ है, तो थोड़ा रेव करके आपको सुनाते हैं। आवाज़ तो आप सुन ही पा रहे होंगे, कुछ ऐसा आवाज़ आ रहा है। तो अभी इसको जाके सीधा मैकेनिक शॉप में जाके एयर फिल्टर चेंज करवाएंगे, तो उसके बाद शायद बाइक में जो है ना मैं आपको पॉजिटिव भी बता देता हूँ। तो एयर फिल्टर चेंज करने के लिए क्या होता है, गाड़ी का जो इंस्टेंट पिकअप होता है, इनिशियल पिकअप थोड़ा इन्हेंस होता है, और उसके बाद जो है गाड़ी का साउंड तो आप सुन पा रहे होंगे अभी ऐसा है, बाद में कैसा होगा वो भी आपको सुनाएंगे। तो साउंड भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, और उसके बाद जो माइलेज जो है ना थोड़ा बहुत मेरा ड्रॉप आ रहा है। जैसे बाइक मेरा माइलेज दे देती है इन सिटी में 35-36 माइलेज देती है, लेकिन अभी थोड़ा फ़िलहाल मुझे 31 माइलेज मिल रहा है, जो कि माइलेज थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ है बाइक में। तो अभी फटाफट से जाएंगे इसका जो है एयर फिल्टर जो है चेंज करवाएंगे, और उसके बाद साउंड कैसा है उसको आपको तो लास्ट में आपको सुनने को मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो वैसे अभी जो है ना बाइक का एयर फिल्टर शायद चेंज कर देंगे यहीं से, साउंड तो सुन लिए कैसा है पहले का एयर फिल्टर का, और दूसरा भी एयर फिल्टर चेंज करने के बाद कैसा साउंड आता है, परफॉर्मेंस कैसा आता है, सब कुछ डिटेल्स में बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू द एंड। तो अभी जो है ना बाइक का जो स्क्रू वगैरह खोलने का कार्यक्रम चालू हो गया है, एक तरफ से उस साइड का स्क्रू खोलना है, पहले सीट तो खोल दिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी इग्निशन सब कुछ दिख रहा है, और यहाँ पे ये स्क्रू खोलने के बाद ये दो स्क्रू खुलेगा तो साइड का फेयरिंग निकल जाएगा, उसके बाद टैंक रिमूव करके वहीं पे साइड में देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो है एयर फिल्टर है, यहाँ पे एयर फिल्टर। तो गाइस न्यू वाला जो एयर फिल्टर है कुछ ऐसा दिखने में आता है, तो पुराना वाला जो कैसा है वो अपना कंपेयर करके आपको दिखाएंगे बाइक के अंदर। तो अभी जस्ट अभी पार्ट्स खोल रहे हैं, उसके बाद जाके आपको दिखाएंगे कैसा है। तो नया वाला कुछ ऐसा होता है, अभी इसको देखते हैं इसमें गाड़ी में फिट आता है कि नहीं। देन बस इसी का मन ना
आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक स्क्रू रहता है, यहाँ एक स्क्रू और यहाँ एक स्क्रू रहता है। तो ये सब निकालने के बाद यहाँ का साइड का जो फेयरिंग है वो निकल जाता है। एंड देन यहाँ पे टैंक को खोलने के लिए यहाँ पे एक नट रहता है, यहाँ पे एक नट रहता है। तो ये दोनों खोलने के बाद जो ये भी टैंक है ये भी निकल जाएगा। और अभी जो है ना गाइस, यहाँ पे एयर फिल्टर को जो है सील है वो खोला जा रहा है। इसके अंदर ही जो है पुराना एयर फिल्टर है अपना, तो ये वाला एयर फिल्टर चेंज होगा, उसके बाद देखेंगे गाड़ी में कैसा परफॉर्मेंस होता है। देखो मिला तो कंपेयर करो तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं ये वाला जो है ओल्ड एयर फिल्टर है और इसका कंडीशन देखो कितना गंदा हालत में है। सो गाइस अभी जो है ना एयर फिल्टर का लगाने का कार्यक्रम ख़त्म हो गया। अभी ये जो है सील को लॉक किया जा रहा है, फिर वापस से लॉक करने के बाद जो जो टैंक है उसको भी फिक्स किया जाएगा, तो वो वीडियो भी आएगा अभी। तो अच्छी तरीके से नट्स जो है टाइट किए जा रहे हैं लाइक। तो अभी जो है ना यहाँ पे नट्स और फ्यूल पंप को कनेक्ट करेंगे भैया, उसके बाद देखेंगे गाड़ी का कैसा साउंड आता है स्टार्ट करने के बाद। तो ये थोड़ा बहुत सस्पेंस रहने दो, वीडियो के एंड में आपको पता चल ही जाएगा। तो अब ये देख ही सकते मेरे हाथ में जो है बाइक का जो पुराना एयर फिल्टर है कितना गंदा हालत में है बाइक का जो एयर फिल्टर। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं मेरे हाथ में पुराना एयर फिल्टर जो है, और इसमें ना बहुत ही ज़्यादा धूल जम गया है। तो ऊपर से देख सकते हो ऊपर से कितना साफ़ दिख रहा है, लेकिन अंदर में जो है गाइस एयर फिल्टर का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसका साउंड्स क्वालिटी में क्या चेंज आया है वो अपना थोड़ा देर बाद आपको बताएंगे। और वीडियो का जो एंड है यहाँ पे ख़त्म नहीं कर रहे, तो आपको बाद में जाके आपको उसका साउंड्स है एग्जॉस्ट का साउंड कैसा आ रहा है सबको सुनाएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो अभी जो है ना बाइक में जो एयर फिल्टर है वो चेंज हो गया है। तो चेंज होने के बाद मैंने इस बाइक को कम से कम 10-15 किलोमीटर चलाया है, तो जो है बहुत बड़ा मेजर चेंजेस आया है बाइक में, कि बाइक का जो साउंड है वो रनिंग वेस में बहुत ही अलग आता है, थोड़ा बेसी साउंड आता है। और जो है पिकअप जो है बहुत ही अच्छा पकड़ रहा है बाइक अभी, मतलब इजीली टॉप एंड तक चले जा रहा है गाड़ी। और फिर आपको मैं इसका जो साउंड है अभी सुना के दिखाता हूँ, जो बाइक में एयर फिल्टर चेंज करने के बाद कैसे लग रहा है। और बाइक जो है ना पूरा गंदा था, लेकिन अभी जो है बाइक पूरी तरीके से एकदम साफ़ कर दिया है। तो अब इसका जो है साउंड मैं आप लोग को सुनाता हूँ। सो आप सुन ही पा रहे होंगे एक बेसिक साउंड है बीच में। अभी गाड़ी का कुछ ऐसा साउंड आ रहा है जो कि काफ़ी बेसी साउंड है और साउंड भी अच्छा आ रहा है। तो उसके साथ साथ बाइक का जो टॉप एंड है वो इजीली पकड़ पा रहा है गाड़ी, और माइलेज जो है ना थोड़ा बहुत शायद से इनहेंस हो गया है, क्योंकि बाइक जो है अभी बहुत ही स्मूथली चल रहा है। सुन ही सकते हैं आवाज़, थोड़ा सा बेसी आवाज़ साउंड आ रहा है इसमें से।
गाइस वीडियो इतना था कि था। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर ऑन कर देना। और जो खर्चा जो आया है जो एयर फिल्टर है वो अपना 230 रुपीज़ लिया था और इंस्टॉलेशन करते करते 20 या 30 रुपीज़ दिया, तो टोटल मेरा 250 रुपीज़ में एयर फिल्टर चेंज हो गया। तो थोड़ा थोड़ा जो चीज़ है वो चेंज करके आपका बाइक का बहुत ज़्यादा पावर जो है इन्हेंस कर सकते हैं। ऐसे एक और वीडियो आएगा क्योंकि मेरा बाइक का जो है 5000 किलोमीटर हो चुका है, अभी 4900 समथिंग चला है, तो थोड़ा किलोमीटर बाद ही मेरा बाइक का जो है 5000 किलोमीटर चल चुका होगा। तो उसके बाद जो है बाइक का जो है 5000 किलोमीटर चलने के बाद जो ओनर रिव्यू है वो मैं आपको दूंगा कि बाइक में कैसा मुझे अच्छा लगा और क्या बुरा लगा है बाइक में। सो फिर वो वीडियो देखने के लिए जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं एक और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, बाय।